ड्रामा क्वीन ने पूछा है, शाह साहब को बता दें कि प्रिशा डॉल जो है सिर्फ पूछ रही है पोस्ट पे कि एमरल्ड और पुखराज शाह साहब ने लेने को बोला था, तो तो वो उसने पूछा है ये सिर्फ दोनों पत्थर जनरल से। बेकार है, ये दोनों पत्थर बेकार है, ना लेना, क्योंकि ये स्क्वायर में है, स्क्वायर में हमारा कोई काम नहीं है पत्थरों का। उसको जवाब लिख दे, ठीक वीएम कर है। देना। पोस्ट में उसने पूछा है कि ये, हाँ पोस्ट में उसने ये पूछा है कि वो बताया गया है सिर्फ कि मुझे ये दो पत्थर बताया था शाह साहब ने, अब वो ठीक पता नहीं है कहाँ से उसने ये लिए हैं क्या ठीक किए है, हैं। लेकिन ये बता दो कि ये दो पत्थर अगर लिए हैं कहीं से भी वापस दे दो खुदा के लिए, क्योंकि ये स्क्वायर में है, हमारा काम स्क्वायर में नहीं होता, और वो भी रेक्टेंगुलर पत्थर है, हम नहीं करते रेक्टेंगुलर स्टोन्स, हम असल में ठीक है रजिया जी बात कीजिए। हम असल में मैं एक जी बात बता दूं, हमारा जो इल्म है ना ये रोटेशंस पे चलता है, तस्बीह की रोटेशन, ठीक है ना, नमाज की रोटेशन 5 टाइम्स, हर चीज़ की रोटेशन है, सफ़ा दर सफ़ा कुरान पढ़ना ये रोटेशन है, एक दफ़ा पढ़ा फिर आपने बंद किया, फिर दूसरे दिन दोबारा खोल लिया, पूरा कुरान ख़त्म करने के बाद फिर एक और दफ़ा रोटेट किया पूरे कुरान को, यानी कि रोटेशन पे चलता है, जो चीज़ रोटेशन में चलेगी वो एनर्जी क्रिएट करेगी, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर और बाकी जितनी चीज़ें हैं उसकी जो एम्बेडेड पावर है दैट विल बी डिफरेंट टू अ सर्कल, बिकॉज सर्कल इज़ ऑलवेज पावरफुल, अर्थ इज़ राउंड, सन इज़ राउंड, मून इज़ राउंड, कभी कोई सुना है आपने कि क्या कहते हैं चांद चकोर हो गया, वो फिल्म में होता है चकोरी लेकिन वो वैसे नहीं होता, जिस रकम बोलें, अब ये भी एक स्टोरी है, अगर 3 घंटा बयान करूं तो एक अलग स्टोरी है।